चैप्टर दोस्त हमारा बायो मॉलिक्यूल्स। तो बायो मॉलिक्यूल्स में आज हम मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे। मोनोसैकेराइड्स, तो मोनो का मतलब हो गया दोस्त वन और सैकेराइड्स का मतलब हो गया शुगर। जिसके पास एक ठो चीनी हो उसको क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड्स। एक मॉलिक्यूल शुगर को क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड्स। वह कार्बोहाइड्रेट जो नहीं प्रतिक्रिया करता हो वाटर के साथ, वाटर के साथ प्रतिक्रिया नहीं कर रहा तो आगे सरल इकाई में कन्वर्ट भी नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड्स। उदाहरण है दोस्त ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज और गैलेक्टोज। ट्रिक है यहाँ गर्ल, गर्ल का मतलब ये ग्लूकोज, फ्रेंड का मतलब ये फ्रुक्टोज, तो गर्लफ्रेंड कौन सा है? राइबोज और गैलेक्टोज। मोनोसैकेराइड का वर्गीकरण, तो कार्बन आइटम की संख्या और फंक्शनल ग्रुप के उपस्थिति के आधार पर मोनोसैकेराइड्स दो प्रकार के हैं। तो जिस तरह मेरे क्लास के दो कंपोनेंट है दोस्त बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह मोनोसैकेराइड्स के भी दो कंपोनेंट है, एल्डोजेज और किटोजेज। तो एल्ड का मतलब हो गया एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, किटो का मतलब हो गया कीटोन फंक्शनल ग्रुप, ओजेज का मतलब शुगर, ओजेज का मतलब शुगर। तो एल्डोजेज का मतलब हो गया जो धारण करता हो एल्डिहाइड ग्रुप को, उसको क्या बोलते हैं? एल्डोजेज। और किटोजेज का मतलब हो गया जो धारण करता हो कीटो फंक्शनल ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं? किटोजेज। एल्डोजेज का फॉर्मूला और नाम, तो एल्ड का मतलब हो गया एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रखने वाला, ओजेज का मतलब वह शुगर जिसके पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो, उसको क्या बोलते हैं? एल्डोजेज। एक तरफ आ गया दोस्त कार्बन का संख्या, दूसरा हो गया हमारा नाम और तीसरा हो गया फॉर्मूला, फिर उदाहरण लिखेंगे। तो कार्बन तीन ठो कार्बन है, तो एल्डो का मतलब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तीन ठो कार्बन तो ट्राई लिख दिए। शुगर का शुगर से आया हुआ है तो ओजेज लिख दिए, तो पूरा नाम हो गया एल्डो ट्राइओजेज। तो इसका जो फॉर्मूला है दोस्त कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या है? CnH2nOn। इसी फॉर्मूला पर हमारा ये फॉर्मूला आधारित है। कार्बन का संख्या तीन है, तो कार्बन का तीन है तो ऑक्सीजन का भी तीन हो गया, और तीन को जोड़ दिए तो हाइड्रोजन का छः हो गया। तो कार्बन का नंबर अगर थ्री रहेगा तो फॉर्मूला हो जाएगा C3H6O3, और उसको प्यार से बोलेंगे ग्लिसरल डिहाइड, ग्लिसरल डिहाइड। अगर कार्बन का नंबर चार रहेगा दोस्त, एल्डो का मतलब कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रखने वाला, चार ठो कार्बन है तो टेट्रा लिख दिए, और ये शुगर से आया हुआ है तो ओजेज लिख दिए, तो पूरा नाम हो गया एल्डो टेट्रा ओजेज। तो उसका फॉर्मूला हो गया कार्बन का नंबर चार है तो कार्बन का चार लिख दिए, तो ऑक्सीजन भी चार हो गया, और चार को जोड़ दिए तो हाइड्रोजन आठ हो गया। तो जिसका फॉर्मूला C4H8O4 है उसका नाम हो गया इरीथ्रोज। कार्बन का नंबर पाँच है दोस्त, तो एल्डो का मतलब हो गया एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रखने वाला, कार्बन पाँच है तो पेंट लिख दिए, यह शुगर से आया हुआ है तो ओजेज लिख दिए, पूरा नाम हो गया एल्डो पेंटोजेज। कार्बन का नंबर पाँच है तो C5 कर दिए तो ऑक्सीजन भी पाँच हो गया, पाँच और पाँच को जोड़ दिए तो हाइड्रोजन 10 हो गया, तो C5H10O5 का नाम हो गया राइबोज चाहे जाइलोज। अगर कार्बन का नंबर छः रहेगा तो एल्डो का मतलब हो गया एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रखने वाला, और छः कार्बन तो हेक्स लिख दिए, ये कंपाउंड शुगर से आया हुआ है तो ओजेज लिख दिए, ओजेज का मतलब है शुगर। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C6H12O6। कार्बन का नंबर छः है तो ऑक्सीजन भी छः होगा, तो छः और छः को जोड़ देते हाइड्रोजन 12 हो गया, तो C6H12O6 का नाम हो गया ग्लूकोज। किटोजेज का फॉर्मूला और नाम, तो ओजेज का मतलब हो गया शुगर रखने वाला, और जो शुगर रखा है उसके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटो फंक्शनल ग्रुप। कीटो का मतलब कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप। अगर कार्बन का संख्या एक है, दूसरा एक है हमारा नाम है, एक फॉर्मूला है, एक क्या है उदाहरण है, तो कार्बन का नंबर तीन होगा दोस्त, ये कीटो फंक्शनल ग्रुप रखने वाला, तो कीटो लिख दिए, तीन ठो कार्बन तो ट्राई लिख दिए, ये शुगर मॉलिक्यूल से आया हुआ तो ओजेज लिख दिए, पूरा नाम हो गया कीटो ट्राई ओजेज। तो ये दोस्त कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूला पर बेस्ड है,
तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है CnH2nO(n)। कार्बन का नंबर 3 है तो 3 लिख दिए, तो ऑक्सीजन भी 3 हो गया, तो 3 और 3 को जोड़ दिए तो हाइड्रोजन का नंबर 6 हो गया। तो C3H6O3 को क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। कार्बन का नंबर अगर 4 है तो नाम हो जाएगा कीटोन फंक्शनल ग्रुप रखा हुआ है तो कीटो लिख दिए, 4 कार्बन के लिए टेट्रा लिख दिए। शुगर मॉलिक्यूल से हुआ तो ओजेज लिख दिए, पूरा नाम हो गया कीटो टेट्रा ओजेज। इसका फॉर्मूला हो गया कार्बन का नंबर 4 है तो ऑक्सीजन 4 हो गया, तो 4 और 4 को जोड़ दिए तो हाइड्रोजन का नंबर 8 हो गया, तो इसका नाम हो गया इरीथ्रुलोज। अगर कार्बन का नंबर 5 होगा तो इसका नाम होगा कीटो पेंटोजेज। कीटो का मतलब कीटोन फंक्शनल ग्रुप रखने वाला, 5 कार्बन है तो पेंट लिख दिए, ये शुगर मॉलिक्यूल से आया हुआ तो ओजेज लिख दिए। फॉर्मूला हो गया C5H10O5। कार्बन का नंबर 5 है तो ऑक्सीजन 5 हो गया, 5 और 5 को जोड़ दिए तो हाइड्रोजन का नंबर 10 हो गया, तो C5H10O5 का नाम हो गया राइबुलोज और जाइलुलोज। कार्बन का नंबर 6 दोस्त, इसका नाम हो गया कीटो हेक्सोजेज। कीटोन फंक्शनल ग्रुप रख रहा था, कीटो लिख दिए, 6 तो कार्बन लिए तो हेक्स लिख दिए, और ये शुगर मॉलिक्यूल से हुआ तो ओजेज लिख दिए, तो पूरा नाम हो गया कीटो हेक्सोजेज। कार्बन का नंबर 6 तो C6 हो गया, तो ऑक्सीजन भी 6 हो गया, 6 और 6 को जोड़ दिए तो हाइड्रोजन 12 हो गया। इसका नाम हो गया फ्रुक्टोज, जो फ्रूट में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रुक्टोज।